अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा रिज रेसिपीज़। तो देखते हैं क्या बना रही हूँ आज मैं। ये आज क्या बनाया है मैंने, ज़बरदस्त बिना प्याज टमाटर की ग्रेवी, झटपट बनने वाली चिकन ग्रेवी। जब आपके पास टाइम ना हो तो ये बना लीजिए झटपट। तो चलिए बनाना सीखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कुकर रख दिया है गरम करने के लिए। ये हमारा कुकर गरम हो चुका है तो मैंने इसमें 4 चम्मच तेल डाल दिया है। तो तेल गरम, तो यहाँ पर हमारा तेल गरम हो चुका है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे हम, रॉ स्मेल निकल जानी चाहिए इसकी, तब तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए चिकन अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये मैं तकरीबन 2 स्पून डाल दी हूँ। अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनेंगे। ये चिकन बहुत ही झटपट बन जाती है, जब हमारे पास टाइम ना हो तो ये चिकन बना लीजिए, फटाफट बन जाती है। तो ये हमारे अदरक लहसुन अच्छे से भून गए हैं, हम थोड़ा गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून हम डाल देंगे नमक, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है ये, 1/2 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे चाट मसाला, बादशाह का चिकन तंदूरी मसाला है ये हम तकरीबन 1/2 टीस्पून इतना डाल देंगे। इसको भूनेंगे अच्छी तरह। माशाल्लाह खुशबू जबरदस्त आ रही है। अब हम इसका, मैंने पानी निकाल लिया है ये दही का, तो ये दही डाल देंगे हम इसमें। दही के साथ मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना जबरदस्त हो गया है, झटपट बन जाती है ये चिकन। तो हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे, थोड़ा पानी सुखाएंगे इसका। इसको 1-2 मिनट भून लेते हैं हम। ये देखिए ये मैंने 2 मिनट भून लिया है इसे अच्छी तरह। इसमें ना प्याज है ना टमाटर है, तो थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून चने का आटा, बेसन। इसे भी अच्छी तरह भूनेंगे, बेसन की वजह से अच्छी ग्रेवी बन जाएगी इसमें। इसे अच्छी तरह भूनना है बेसन डालने के बाद। मैंने अच्छी तरह भून लिया है, इसमें तकरीबन मैं 1 कप इतना पानी डाल दूंगी। क्योंकि मैं फटाफट बना रही हूँ इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ, इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए थिक ग्रेवी हो गई है अच्छी तरह। तो अब हम इसकी सीटी लगाएंगे। हम इसके 2 सीटियां ले लेंगे, एक फास्ट पे और एक स्लो पे। ये हमारी 1 सीटी हो गई है, ये हमारी 2 सीटी भी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको दम पे रहने देंगे ऐसे ही।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन सिंपल ग्रेवी रेडी है, सेमी ग्रेवी। इसको आप रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। देखिए ग्रेवी भी काफी अच्छी है, इसमें ना प्याज है ना टमाटर है। अब हम लास्ट इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेसिपी रेडी है, झटपट चिकन मसाला ग्रेवी। बहुत ही यम्मी है, जबरदस्त है, टेस्टी है, आप भी बनाइए, इंजॉय करिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।